अच्छा स्टूडेंट्स देखें अब आप लोगों के पास जो सवाल जवाब हैं पांच सवाल मैंने आपको दिए हैं ठीक है ना जिसमें पहला सवाल है 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 कि जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो हो जाए तो क्या किया जाता ठीक आपका चैप्टर से स्टार्ट हो रहा पे सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे उसमें आपको जो है वो थर्ड लाइन पे आंसर मिलेगा ठीक है इसका सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो मैत को देकर कफन पहनाया जाता है और उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और फिर उसको एहतराम और इज्जत के साथ दफन कर दिया जाता है ठीक है यह आपके पहले सवाल का जवाब हो गया फिर दूसरा सवाल है कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफाइया है इससे क्या मुराद है इसमें आपके पास जो हेडिंग है फ़र्ज़ किफ़ाइया वाली उसमें आप जाएंगे तो इसमें टू लाइंस हैं आपके पास नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाइया है इसका आंसर ये होगा और मैं आपको सु... बता चुकी हूँ क्लास में इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको फ़र्ज़ कफ़ाइया को एक्सप्लेन किया है यानी अगर इलाके से कुछ अफरा नमाज जनाजा अदा कर लें तो ये सबकी तरफ से अदा हो जाती है और अगर एक भी अदा ना करे तो सब गुनागार होंगे ठीक है ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है फिर तीसरा सवाल है आपके पास के नमाज जनाजा के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखें जब आप दीनी अहमियत वाली हेडिंग में आते हैं तो ठीक है आपके पास यहाँ पे फोर पॉइंट्स लिखे हुए इसमें से जो

फोर में है जो भी आपको आसान लगती है उन दोनों में से कोई एक आपने लिख लेनी है ठीक है चौथा सवाल है आपका कि नमाज जनाजा का तरीका लिखें तो आप जो है जहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है ठीक है उसमें लास्ट पैराग्राफ में तरीका लिखा हुआ है क्लास में हमने इसको किया भी था इस तरीके के हमने मैंने करवा के आप लोगों को और बताया भी था ठीक है कि कैसे पढ़ी जाती है ये खड़े होकर तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट पैराग्राफ में कि नमाज जनाजा का अंदाज़ दूसरी नमाजों से मुख्तलिफ है इसमें ना रुकू है ना सजदा और ना कायदा फिर आप जो है वो तरीका भी इसका लिख लेंगे कि चार तकबीरें कहता है और फिर तकबीर तीमा पहली जो है वो नीयत जो है नमाज की नीयत तकबीर तहरीमा से की जाती है फिर सना पढ़ते हैं पहली तकबीर के बाद दूसरी तकबीर पर दरू शरीफ तीसरी तकबीर पर दुआ मगफरत और चौथी तकबीर के फ़ौर बाद सलाम फेर लिया जाता है तो ठीक है इसमें आपने नमाज़ जनाजा का आपको बताया था रिश्तेदारों से या लास्ट जो करीबी लोग होते हैं मरने वाले के उनसे इजहार हमदर्दी क्यों करना चाहिए तो इस यू सवाल से ही आप जवाब बना लेंगे हमें मरने वाले के लवाकी से इजहार हमदर्दी इसलिए करना चाहिए ताकि उनके दुख में कमी हो और अल्लाह ताला उनको सबर दे और उनके दुख में भी कमी हो ठीक है ना और हमें उनकी जो है वो गम में शिरकत करनी चाहिए और इससे इंसान के जो है वो इंसान में भी हमदर्दी की सिफात पैदा होती है ठीक तो ये आपके पांचों सवालों के जवाब मैंने आपको बता दिए आपने इसको इसी तरह लिखना है गलत किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिखना फिर भी अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप उससे पूछ सकते हैं